नमस्कार दोस्तों, श्री वेदांत अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम मध्य प्रदेश के उन प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में पढ़ने वाले हैं जिन प्रमुख खिलाड़ियों ने वर्ष 2023 में अपना नाम रोशन किया है, उसके साथ साथ मध्य प्रदेश और भारत का दोनों का नाम रोशन किया है, चाहे वो राज्य स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो। ऐसे में आपके लिए इस बात की आवश्यकता बन जाती है कि आप इन खिलाड़ियों के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में इनसे संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछ लिए जाए, और अगर पूछ ही लिया गया और आपने नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि आपका सिलेक्शन वगैरह जो है वो थोड़ा सा डाउट में या फिर सस्पेंस में चला जाए। इसलिए सिलेक्शन पोस्टक करने के लिए आप 80 प्लस स्कोर का जो टारगेट आप लेकर चल रहे हैं उसके लिए जरूरी रहता है कि हम उन चीजों पर भी नजर डाल दें जिन चीजों को चर्चा 2023 में हुई है। 2023 में खेल के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो खेल के दृष्टिकोण से दो महत्वपूर्ण चीजें हैं या बड़े इवेंट माने जाते हैं, उनमें से एक जो है वो एशियन गेम्स है और दूसरा आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2023 में। इन दोनों ही गेम्स में मध्य प्रदेश के कुछ खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बने हुए हैं। एशियन गेम्स में भारत का जो प्रदर्शन है उस प्रदर्शन को देखते हुए मध्य प्रदेश की खिलाड़ियों की भूमिका बढ़ जाती है। ऐसे में मध्य प्रदेश के उन खिलाड़ियों का नाम आपको विशेष तौर पर पढ़ लेना चाहिए जिन खिलाड़ियों ने कुछ पदक हासिल किए हैं और मध्य प्रदेश के साथ साथ इस देश का नाम रोशन भी किया है। ऐसे ही कुछ खिलाड़ी आज की क्लास में हम पढ़ेंगे, उनमें से पहले खिलाड़ी का नाम है आशी चौकसे। एशियन गेम में भाग लेने वाली एक मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खिलाड़ी मानी जाती है। आशी चौकसे का जो संबंध है वो भोपाल से है और आशी चौकसे जिस खेल से संबंधित मानी जाती है वो खेल आपको शायद चित्र में दिख रहा होगा, निशानेबाजी है या शूटिंग कह लीजिए। इनका संबंध शूटिंग खेल से माना जाता है और इनका हम पढ़ इसलिए रहे हैं इनके बारे में क्योंकि एशियन गेम्स जो चीन में हुए हैं 2023 में, उस एशियन गेम्स में इनके द्वारा दो ब्रॉन्ज या फिर कांस और एक रजत पदक जीता गया है। इसके कारण से आशी चौकसे का नाम विशेष तौर पर आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो मध्य प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में पदक लेकर राज्य का और देश का नाम रोशन किया है उनमें से आशी चौकसे एक प्रमुख खिलाड़ी हैं। भोपाल से संबंधित है, शूटिंग में है, तो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से दो तीन चीजें ही याद करनी है, सब कुछ याद नहीं करना। आशी चौकसे भोपाल जिले से संबंधित है और जिस खेल से संबंधित है उस खेल का नाम है शूटिंग। दूसरे जो प्रमुख खिलाड़ी है उनका नाम है ऐश्वर्य प्रताप सिंह। ऐश्वर्य प्रताप सिंह के बारे में थोड़ा सा आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है क्योंकि विगत 3-4 सालों में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम जो है विशेष रूप से करंट में बना हुआ है। कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं, उन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर चर्चा में बने रहे हैं। इनका संबंध खरगोन जिले से है, खरगोन में जन्म हुआ था इनका और जिस खेल के साथ माने जाते हैं वो खेल है शूटिंग। हम इनके बारे में पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि वर्ष 2023 में जो एशियन गेम्स हुए हैं उस एशियन गेम्स में इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। तो मध्य प्रदेश के ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता हो उनमें ऐश्वर्य प्रताप सिंह का नाम विशेष तौर पर महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह एक मध्य प्रदेश के दूसरे खिलाड़ी हैं, खरगोन जिले से इनका संबंध है और जिस खेल के साथ माना जाता है वो खेल है आपकी शूटिंग। तीसरे मध्य प्रदेश के जो चर्चा में रहने वाले महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उनका नाम है आर्यन एस गणेश। 2023 में ही अगर आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो आयोजन किया गया था वो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में किया गया था। अब इनमें बहुत सारे खिलाड़ियों ने पदक जीते हैं लेकिन हम आर्यन एस गणेश का नाम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने तैराकी में ये मध्य प्रदेश का पहला पदक जीता है। पिछले 5 जो संस्करण हुए हैं उसमें से तैराकी में
ये प्रथम पदक है, मतलब कि पिछले चार जो प्रतिस्पर्धाएं हुई हैं उन चार प्रतिस्पर्धाओं में तैराकी में हमें कोई भी पदक नहीं मिला है। तो तैराकी एकमात्र वो गेम हो जाएगा जिसमें से मध्य प्रदेश को आज तक कभी भी कोई पदक मिला ही नहीं है। तो प्रथम पदक मिला है और जो पदक से हमने खाता खोला है वो है आपका स्वर्ण पदक। तो शुरुआत हो तो ऐसी हो, तो गोल्ड मेडल इनको मिला है तैराकी में, इस कारण से आर्यन एस गणेश का नाम हम विशेष तौर पर पढ़ रहे हैं। तो तैराकी में प्रथम पदक पिछले पांच संस्करणों में ये पहला पदक माना जाता है और स्वर्ण पदक आर्यन एस गणेश को मिला है। भोपाल से ये संबंधित हैं, भोपाल के तैराक माने जाते हैं और प्रतिस्पर्धा तो आप जानते ही होंगे तैराकी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आर्यन एस गणेश का संबंध किस खेल के साथ माना जाता है तो उसका आंसर हो जाएगा आपका तैराकी। तो आर्यन एस गणेश का जो संबंध माना जाता है वो तैराकी के साथ माना जाता है। अगले महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं आपके सुदीप्ति हजेला। सुदीप्ति हजेला चित्र में आपको वैसे ही दिख रहा होगा, इनका संबंध मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है और घुड़सवारी खेल से ये संबंधित मानी जाती है। सुदीप्ति हजेला का नाम आपने कई बार पढ़ा होगा, इनको विक्रम पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है, 2021 का विक्रम पुरस्कार इनको मिल चुका है। लेकिन इनके चर्चा में रहने की एक और वजह है, 2021 का विक्रम पुरस्कार इनके चर्चा में रहने की एक और वजह है कि भारत को 41 वर्ष बाद एशियन गेम्स में घुड़सवारी में पदक मिला हुआ है। एशियन गेम्स 2023 में घुड़सवारी में स्वर्ण पदक मिला है। तो सुदीप्ति हजेला ने टीम इवेंट में भाग लेते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया और ये विशेष गर्व की बात है भारत के लिए कि 41 साल के बाद इन्होंने स्वर्ण पदक भारत को दिलाया है घुड़सवारी वाले इवेंट में, इसलिए सुदीप्ति हजेला का नाम हम विशेष तौर पर पढ़ रहे हैं। चूंकि मध्य प्रदेश के खिलाड़ी हैं इसलिए इनका नाम और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये वो खिलाड़ी हैं जिनका नाम आपको थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि परीक्षा में आपसे इनके बारे में पूछ लिया जाए। तो सुदीप्ति हजेला इंदौर से हैं और घुड़सवारी से संबंध माने जाते हैं। चर्चा में रहने की जो प्रमुख वजह मानी जाती है वो एशियन गेम्स 2023 में स्वर्ण पदक मिला। अगले मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं आवेश खान। आवेश खान का जो संबंध है वो इंदौर जिले से माना जाता है। जिस खेल के साथ माना जाता है वो क्रिकेट है। भारतीय क्रिकेट टीम के ये खिलाड़ी हैं, प्रमुख गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज आप कह लीजिए। और भारतीय टीम के साथ साथ ये मध्य प्रदेश से भी खेलते हैं, मध्य प्रदेश रणजी टीम से भी खेलते हैं। उसके अलावा अभी आपने देखना होगा लखनऊ सुपर जायंट्स की जो आईपीएल टीम है उस आईपीएल टीम से भी इन्होंने भाग लिया था पिछले साल। लेकिन उससे बड़ी उपलब्धि इनकी ये भी मानी जाती है कि ये आईपीएल में सबसे महंगे बिकने वाले अनकैप्ड प्लेयर माने जाते हैं। अनकैप्ड प्लेयर ऐसे प्लेयर को कहा जाता है जो आईपीएल में खेल रहा हो लेकिन उसने अभी तक किसी भी अंतरराष्ट्रीय मैच को ना खेला हो या राष्ट्रीय टीम का प्रतिनिधित्व ना किया हो। तो बिना कोई अंतरराष्ट्रीय मैच खेले अगर आप आईपीएल खेलते हैं तो इस प्रकार के खिलाड़ी को अनकैप्ड प्लेयर के नाम से जाना जाता है। आई थिंक 10 करोड़ रुपए में ये बिके थे, इसलिए ये सबसे महंगे अनकैप्ड प्लेयर होने का रिकॉर्ड भी अपने पास रखते हैं। चर्चा में रहने की वजह यह है कि वर्ष 2022 का विक्रम पुरस्कार इनको मिला है और विक्रम पुरस्कार मिलने के कारण ये फिर से एक बार चर्चा में आ गए हैं। तो हो सकता है कि परीक्षा में आपसे आवेश खान के बारे में पूछ लिया जाए कि आवेश खान का संबंध किस खेल के साथ माना जाता है। तो आवेश खान मध्य प्रदेश के अगले 2023 में रहने वाले चर्चा में खिलाड़ी। एक है नीरज राणा। नीरज राणा जो है वो मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी की तरफ से खेलने वाले या मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से खेलने वाली हैं और मध्य प्रदेश राज्य की ये हॉकी टीम की कप्तान भी हैं। ग्वालियर से इनका संबंध माना जाता है। अब ये बताने की तो जरूरत है नहीं कि किस खेल से माने जाते हैं। तो नीरज राणा का जो संबंध माना जाता है वो हॉकी से माना जाता है। चर्चा में रहने की वजह जो है वो ये है कि वर्ष 2022 का विक्रम पुरस्कार मध्य प्रदेश सरकार ने इनको दिया है।
वैसे तो बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिनको विक्रम पुरस्कार मिला हुआ है, लेकिन उनमें से वो खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा आपके लिए हाईलाइटेड हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, हमने केवल उन्हीं खिलाड़ियों के बारे में आपको बताया है। तो नीरज राणा मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी कप्तान ग्वालियर हॉकी से संबंधित है, चर्चा में रहने की बजाय 2022 का विक्रम पुरस्कार मिलना। अगले हैं पूजा वस्त्रकार। पूजा वस्त्रकार शहडोल जिले से संबंधित है, या इनका जन्म शहडोल जिले में हुआ था और ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं। चर्चा में रहने की वजह यह है कि एशियन गेम्स जो चीन में हुए थे 2023 में, उसमें क्रिकेट भी शामिल हुआ, महिला क्रिकेट। उस महिला क्रिकेट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता और उस स्वर्ण पदक विजेता टीम के एक भागीदार के रूप में पूजा वस्त्रकार माने जाते हैं। तो फाइनल में जो हुआ था वो भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, जिसमें भारत ने श्रीलंका को 19 रनों से हराया था। पूजा वस्त्रकार की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, उन्होंने एक विकेट अपने नाम किया था और भारत को इस महत्वपूर्ण खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जिताने में महत्वपूर्ण योगदान भी दिया था। तो पूजा वस्त्रकार, आपसे अगर पूछे जाए कि किस जिले से है शहडोल, किस खेल से है, तो इसका आंसर होगा क्रिकेट। अनिल धूपर। अनिल धूपर टेनिस प्रशिक्षक माने जाते हैं, कोच हैं। इनका संबंध जो है वो मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से है। और चर्चा में रहने की वजह यह है कि वर्ष 2022 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। खेल के क्षेत्र में, ठीक है। तो टेनिस इन्होंने अपना योगदान दिया, कई खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने प्रतियोगिताएं जिताई और उसके कारण से इनको वर्ष 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है श्री अनिल धूपर को। इस कारण से इनका नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ष 2022 का मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, तो उसका आंसर आप बताइए अनिल धूपर को। फिर एक है रश्मि मालवीय, ये बैडमिंटन प्रशिक्षक हैं। और वर्ष 2022 का इनको विश्वामित्र पुरस्कार दिया गया है। तो दो बातें याद रखिएगा, एक विश्वामित्र पुरस्कार के बारे में, विश्वामित्र पुरस्कार 2022 का मिला है रश्मि मालवी को जो बैडमिंटन प्रशिक्षक हैं, और वर्ष 2022 का अगर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पूछा जाए तो वो है आपका अनिल धूपर को। तो ये मध्य प्रदेश के वो कुछ प्रमुख खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बार की परीक्षा में। एक है आशी चौक से, भोपाल की हैं, शूटिंग से संबंधित है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह खरगोन से हैं, शूटिंग से संबंधित है। आर्यन एस गणेश भोपाल से हैं, तैराकी से संबंधित है। सुदीप्ति हजेला इंदौर से हैं, घुड़सवारी से संबंधित है। आवेश खान इंदौर क्रिकेट। नीरज राणा ग्वालियर हॉकी। पूजा वस्त्रकार शहडोल क्रिकेट। अनिल धूपर टेनिस प्रशिक्षक इंदौर, 2022 का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। रश्मि मालवी बैडमिंटन प्रशिक्षक। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पर। एक दो चीजें आप चाहो तो और याद कर सकते हो इसमें। दो व्यक्ति और हैं, दो खिलाड़ी और हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। उनमें से एक खिलाड़ी का नाम है शिवकांत दांगी। एक गेम है जिसका नाम है थांगटा, ये मणिपुर मार्शल आर्ट है। जो यूथ गेम्स हुए हैं मध्य प्रदेश में, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है।
तो हो सकता है कि आपसे परीक्षा में शिवकांत दांगी के बारे में पूछ लिया जाए या इस गेम के बारे में पूछ लिया जाए जो थांगटा गेम है। तो अगर पूछ लिया जाए तो आप बता दीजिए। एक खिलाड़ी और हैं जिनका नाम है गौरव दांगी। कलारिया पट्टू गेम से माने जाते हैं। ये केरल का युद्ध कला या एक प्रकार का मार्शल आर्ट आप कह लीजिए है। इसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है यूथ गेम्स में। तो ये दो खिलाड़ी और हैं जिनके नाम आप विशेष तौर पर याद कर लीजिए, शिवकांत दांगी और गौरव दांगी। शिवकांत दांगी थांगटा, मणिपुर मार्शल आर्ट स्वर्ण पदक, गौरव दांगी कलारियापट्टू, केरल युद्ध कला स्वर्ण पदक। तो ये दो और हैं जिनके नाम आपको थोड़ा सा पढ़ना है। तो ये मध्य प्रदेश के वो प्रमुख खिलाड़ी हैं जिन्होंने वर्ष 2023 में अपना किसी न किसी कारण से नाम रोशन किया है और परीक्षा के दृष्टिकोण से वो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।